so yeah, congratulations. Well done, everybody. It looked fantastic. The locations in South Africa, we'll come to you all a little later. But kaisa raha yaar? I mean, this is what everybody wants to do. I used to go to parties earlier and people say, I said, what do you do? I'm a roadie. सब ऐसे ही बोलते थे. तो यही तुम सबका भी सपना था ना, आई एम अ रोडी बोलने के लिए. तो अब ये कर दिया. टास्क करने कितना मुश्किल कितना इजी. लेट्स हैव यू, लेट्स हैव अ परिचय फर्स्ट एंड देन लेट्स हियर व्हाट यू डिड इन साउथ अफ्रीका. या मैन, जस्ट वन लाइन इंट्रो. परिचय सिंपल. योर परिचय. माय परिचय. यस, योर इंट्रोडक्शन. हां तो हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ. यू कैन कॉल मी सिड. यहां पे बहुत सारे लोग बोलते हैं सिद्धू, सिद, सिडी. एंड मनोज मेरा बाप का नाम है. राइट, वो भी चलेगा. लेकिन हाँ, आई एम अ रोडी, वी आर ऑल रोडी, सीजन 18. या ओके, सो वी वुड लाइक गोइंग वन बाय वन लाइक दैट. ओह या, इट्स ऑल राइट. तो इट्स ऑल राइट, वी विल. एंड या, मूविंग ऑन. ओके, सो लेट मी जस्ट, डिड यू हैव लाइक अ टफ टाइम? मतलब नॉर्मली रोडीज में देखते हैं टास्क ना बड़े मुश्किल लगते हैं. इतने ही मुश्किल थे जितना सोचा था या नहीं? ऑलराइट, हाय, नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज गौरव अलक. एंड आई जस्ट वांटेड टू से सलील, यू आर राइट. बहुत लोगों के लिए ये सपना होता है. राइट, एंड हम में से 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सपना दो बार जिया है. यस, राइट. अ लॉट ऑफ यू ऑल आर फ्रॉम द प्रीवियस सीजन एज वेल, सो कांग्रेचुलेशंस एवरीवन फॉर मेकिंग इट बैक इन. नो, आई थिंक कूडोस टू एवरीवन, ऑल 20 ऑफ अस. आई मीन, आई लव टू से दैट, बिकॉज इस बार चैलेंज भी डबल था, मजा भी डबल था. जर्नी वॉज इनसेन. वी वर लुकिंग एट साउथ अफ्रीका, द वेदर, the tasks, the whole experience. I think it was just very different. I don't think yahan pe 10 ex roadies mein se koi bhi ek aisa ki jo bolega ki journey last time ki tarah thi. Bilkul nahi thi. I think well done. You read the entire press brief very well. Bahut badhiya kaam. Absolutely. Well done. Now coming to this side as well. I do my homework well, Salil. You did a brilliant job. Big round of applause for everybody here also. And coming to the light na, bahut shade mein ho aap log. So anyone, we just a quick bit here and there. What's your name and how is it, man? Kya bolti public? Full power था, मचाया है रोडीज के जर्नी पे. आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस वी ऑल हैव हैड. सो माई नेम इज तनिष एंड आई एम फ्रॉम अमची, मुंबई. ऑलराइट तनिष, होल्ड इट देयर. यू हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वी विल कम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑल, बट वी गॉट अ मैन जिन्होंने आपके लिए एक्सपीरियंस और भी बेटर बनाया. सो वी ऑल नो वी टॉकिंग अबाउट, राइट? डू वी नो वी टॉकिंग अबाउट the real superstar of India. I've come to love him for much more in the last 2 years. I know everyone has too. So ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only, the hero, the big boss man, Sonu Sood. कैसे हो सोनू सर? माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब. आई थिंक अ बिगर राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन हो जाए. ऑल आर कंटेस्टेंट्स तो हैं ही. सर, हाउ आर यू सर? आपसे मिलके इतना अच्छा लगता है. क्यों ऐसा लगता है कि ऑल द टाइम यू आर सुपर रेडी, यू आर सुपर फिट. लव द शूज ऑल्सो सर, कमाल के. जो ये जूते का शॉट लो यार, वाओ, लव इट. सोनू सर, कुछ ऐसे स्वीट बच्चे आपके सामने, कुछ सख्त बच्चे आपके सामने, कुछ नटखट, कुछ शायद नॉट सो नटखट. कैसा रहा एक्सपीरियंस सर सबके साथ में? ये साउंड दे रहे दोस्त, थोड़ा और साउंड. या ओके, तो मैं यही कहना चाहूंगा, बच्चे नहीं है, हीरोज हैं बॉस. इन्होंने जो 45 डेज में किया है, आई थिंक दे इंस्पायर मी, दे'ल इंस्पायर द होल नेशन. They are the real rock stars, and we are so proud of you. God bless you all. Thank you so much. Sonu sir, ये tasks वाले जो situation होते हैं, जी, डरा देते हैं लोगों को. जब मैं Facebook पर memes भी देख रहा होता हूँ या फिर Facebook पर ये भी देख रहा हूँ, तो कैसे करते हैं? आप जब इनसे करवा रहे थे, was the feeling similar to you also? यार ये तो बड़ा मुश्किल है. हर रोज हमें लगता था कि बड़ा मुश्किल है बहुत, लेकिन इन लोगों ने उसको आसान बना दिया. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ. एक जो पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है बंजी जंपिंग के लिए, 216 मीटर का, 216 मीटर्स का. और मुझे तो सिर्फ होस्ट करना था, मुझे कूदना नहीं था. मुझे तो होस्ट करना, हाँ यार अच्छा, वेरी गुड, अब रुकना नहीं, कूद जाओ, ये सब. तो सब लोग कूद रहे थे, बड़े थे.
तो मैं क्या यार कूद जाऊँ क्या, मैं कूदूँ क्या, नहीं कूदूँ यार, काम तो नहीं है मेरा कूदना, पर आई थिंक इन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं क्या यार बॉस मैं भी कूदता हूँ, और मैंने भी लगाया. सो आई थिंक दैट मेक्स देम रोडीज, दैट मेक्स मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द नेशन दैट दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस रोडीज. आई थिंक दे आर द रियल इंस्पिरेशन. सर हम सब ने तो बचपन से ही देखा है, क्योंकि जैसे कि अंशुल सर भी बता रहे थे इट्स पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड ऑल्सो. आप भी हमारी उम्र के हैं, आपने भी बचपन से देखे थे, उस समय आप देखते थे और कैसा लगता था, नाउ यू नो ऑल ऑफ देम आर नाउ पार्ट ऑफ योर नेट, आपके सेफ्टी नेट के अंदर थे. सो व्हेन दे फर्स्ट कॉल्ड यू एंड दे सेड चलो सोनू सर आपके साथ करना है हमें, पहले इंस्टेंटली स्क्रिप्ट की तरह यस या फिर थोड़ा टाइम लगाया? नहीं नहीं बिल्कुल एकदम वी आर ऑल ऑन आवर टोस. मुझे भी एकदम रोडी टाइप की फीलिंग आ रही थी. पहले तो हम लोग टीवी पे देखते थे, इंस्पायर होते थे, और मुझे लगता है कि देश का हर बंदा चाहता है कि मैं रोडी रोडीज का हिस्सा बनूं, क्योंकि मुश्किलों से यू नो आपको गुजरना पड़ता है. कई बार सोने की सही जगह नहीं मिलेगी, कई बार लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, कई बार खाने का कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यू हैव टू सर्वाइव. और उस सर्वाइवल के अंदर आपको वो सब टास्क करने हैं जो बहुत ही मुश्किल हैं और बहुत एक्साइटिंग है, बट आई थिंक जब वो कर पाते हैं तो वो रोडीज होते हैं, और जो करना चाहते हैं वो अगले सीजन का इंतजार करते हैं कि बॉस कब मौका मिलेगा और कब मेरा नंबर आएगा. आपके साथ कोई भी डिस्कशन फिटनेस के बिना हो ही नहीं सकती सर. आप ही जो टास्क और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा. जब रेडियो में मैं शो कर रहा था और दबंग के बाद मैंने अगले दिन आई कॉल्ड सोनू सर सुबह 6 बजे, दबंग फ्राइडे को रिलीज हुआ, सुबह 6 बजे वी कॉल्ड सोनू सर एंड ही वाज इन द जिम. मैं कहा सर कल तो पिक्चर रिलीज हुई है, कहते हाँ बट नाउ आई एम इन द जिम, विल चैट इन सम टाइम आल्सो. आपका डिसिप्लिन इसके लिए वैसे तालियां हो जाए, बिकॉज दिस मैन इज ए प्रतीक ऑफ एग्जैक्टली हाउ यू शुड ऑलवेज बी. तो ऐसे कुछ ज्ञान दिया आपने कई बार इनको, बिकॉज बहुत जरूरी हो जाता है, यू नो लोग हार मान जाते हैं. समवन लाइक यू नेवर लेट्स गो, पिछले 2 साल में तो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है हाउ यू नेवर लेट गो. व्हाट वाज एडवाइस दैट यू गेव देम कि कैसे हार नहीं माननी है? देखो ये सब लोग ज्ञानी है, वैसे ही मैं क्या ज्ञान दूंगा इन लोगों को. लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी विच आई थिंक द होल नेशन विल सी, कि जो बदलाव आता है एक्सपीरियंस से, हर रोज जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो उससे चेंज आता है आपकी लाइफ में, वो बड़ा एक्सपीरियंस कमाल का होता है, और वो आप लोग महसूस करते हैं. आई एम श्योर सब लोगों ने वो देखा है खुद के अंदर, और मैंने इनके अंदर देखा. आई स्टिल रिमेंबर जो मैं फर्स्ट एपिसोड जब हम लोग शूट कर रहे थे रोडीज का, तो सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे. उनका एक बोलने का तरीका था, रिएक्ट करने का, हर चीज़ अलग था. और जब आखिरी हमने पूरा सीजन ख़त्म किया, मुझे लगता है कि अलग लोग बनकर निकले. That's true. That always happens. Big round of applause for yourselves also. शुरुआत में ऐसे आते हैं जैसे boot camp होता है ना. You come in like think I'm going to take over the world and then you realize halfway कि भाई the world is very large. इतना छोटा ही से हम लोग कर ले. But the toughest thing that you found about being a host also sir. इनकी तकलीफों के बारे में तो बात करेंगे, but आपके लिए कुछ मुश्किल था? मुझे elimination वाले दिन बड़ा डर लगता था यार. इन लोगों को तो डर लगता था, लेकिन मुझे और इसलिए टेंशन आता था, मैं कि यार ये ना जाए यार, रोक लूँ मैं इनको यार. बड़ी कोशिश करता था मैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट शॉर्मेट बना दें यार, ये ना जाए. आई थिंक दैट्स व्हाट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट, बट वो भी एक सच्चाई है. बोलते हैं कि हमें ज़िंदगी में बहुत बार एलिमिनेशन मिलते हैं, हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और फिर कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें आती हैं कि हम लोग लाइफ की उस रेस से थोड़े समय के लिए एलिमिनेट होते हैं, और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि वापस जो ज़िंदगी है रोड पर लेकर आनी है. सब ने देखा है ऐसे एक्टर्स, हमने आपने सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कई बार पटरी से गाड़ी उतरती है और हम लोग मेहनत करके वापस पटरी पर लेकर आते हैं. रोडीज़ भी वही है कि जब कई बार एलिमिनेट होते हैं तो आपको लगता है यार कुछ कमी रह गई है, बॉस वापस मेहनत करूँगा, फिर वापस आप आते हो या फिर इंतज़ार करते हो कब आने. आई थिंक वो एक रोडी सिर्फ एक शो नहीं है, एक जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है. True. एक तजुर्बा है कि आप देखते हैं कि बॉस किन मुश्किल तरीकों से हम लोग निकलते. जब हम लोग कॉलेज में थे हमने सब एक्सपीरियंस किया, और आज जब हम वो पूरा डॉक्यूमेंटेड देखते हैं और इतनी बड़ी लंबी जर्नी देखते हैं. आई रिमेंबर कि वी स्टार्टेड फ्रॉम पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका के कोने से शुरू किया, केप टाउन तक हम लोग गए. पूरी जो जर्नी थी वो इतनी कमाल की थी कि मुझे यू नो फिल्में बहुत शूट की, आउटडोर्स भी बहुत किए, बट आई कैन वाउच की रोडीज का जो एक्सपीरियंस था वो सबसे कमाल था. एंड ऑल थैंक्स टू दीस गाइस आल्सो. वाओ, गिव योरसेल्फ्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज. सोनू सर का इमोशनल साइड भी हम देखेंगे जब आएंगे वो एलिमिनेशंस पर, जब हम देखेंगे. लेकिन आई एम गिविंग यू ऑल अ चांस आल्सो. चलो हम तो आपसे सवाल करते हैं, बट वन क्वेश्चन दैट यू ऑल वुड लाइक टू आस्क सोनू सर, यू नो यू ऑल हैव मेट हिम ड्यूरिंग द एंटायर बिट, एक सवाल. यस यस यस, गो अहेड. To ask Sunu sir, who is your favorite contestant? Wow!
सर ये मैं बताता हूँ मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट जो हमारे डायरेक्टर अंकित थे वो है हमारे डायरेक्टर मुझे बहुत जल्दी बुलाते थे आजा बॉस रेडी है कैमरा रोलिंग है मैं बैठा हूँ आप भी आएगा अभी अंकित किधर है दिख रहा है कहीं पे आई थिंक यहीं पे है हमारे डायरेक्टर साहब भी हाय हाय अंकित क्या हाल है सो वो है मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट और मुझे लगता है आप लोगों का भी वही है ना ये देखो सुन देखा क्या जवाब दिया है ये देखो 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ना ऐसे जवाब रेडी हो रहते हैं आप लोग के जो सवाल होते हैं बड़े सिंपल थे बट फनेस्ट मोमेंट फॉर यू सर मुश्किल मोमेंट्स तो थे जैसे आपने बताया अबाउट जंपिंग ऐसे फन वाले मोमेंट्स भी थे ना कॉमेडिक मोमेंट्स जो इनके साथ रहे यू रिमेंबर एनी वन ऑफ देम यू लव टू हियर बहुत सारे थे मुझे याद है कि कई बार बिल्डअप बड़ा होता था कि आज का गन जो टास्क है इतना मुश्किल है अगर कुछ हो जाएगा लेट जाना बहुत ज्यादा हमला हो सकता है लेकिन हमारा जो है ना एक लेकिन बहुत है कि यार सब कुछ हो जाएगा आप खाइए पिए ये कीजिए ऐश कीजिए लेकिन ट्विस्ट लेकिन उसके अंदर एक कुछ ना कुछ छिपा हुआ है उस लेकिन में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है सो आई थिंक उस लेकिन में जब लोग ये शो देखना शुरू करेंगे वो भी कहीं ना कहीं ये बोलेंगे जरूर कि जिंदगी बड़ी कमाल की है लेकिन